और अब बात आसमान से बरस रही आफत की करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ से बहुत ज्यादा बेहाल हो चुके हैं। राज्य में बहने वाली कई नदियां उफान पर आ चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है बाढ़ का। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ का दंश इस वक्त झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी बहराइच में भी बाढ़ से बहुत बुरा हाल है। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने वहां के मेडिकल कॉलेज को ही अपनी जद में ले लिया है। बलिया की घाघरा नदी की बात की जाए तो यहाँ कटान के चलते 6 घर इसमें समा चुके हैं। 17 घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बिजली सप्लाई रोक दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। इस वक्त बहुत बुरे हालात उत्तर प्रदेश के भी दिखाई दे रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस बात का जायजा ले रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर कितना नुकसान हुआ है, कैसे यहां पर दिशा निर्देश जारी करने हैं, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि आप देखेंगे कहीं पर कटान ज्यादा हो गया है, नदियां उफान पर आ चुकी है, सैकड़ों गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। यानी कि एरियल व्यू अगर आप किसी गांव का यहां पर देखेंगे, ऐसे कई सारे गांव हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखाई देगा तो पानी वहां पर बहता हुआ। और अब ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बताया ये भी गया कि एक परिवार इतना ज्यादा परेशान हुआ कि बारिश के पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार यहां पर करना पड़ गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के भी यही हालात बताए जा रहे हैं। यहाँ पर भी बाढ़ का बहुत ज्यादा कहर है। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को अपने यहाँ पर कब्जे में ले लिया है। रतनगंज इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर एक पक्का मकान भरभराकर गिर गया है और पानी की तेज लहरों में समा गया। कुछ ही सेकंड में ईंट पत्थरों से बना वो मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाढ़ की वजह से इलाके के लोगों में दहशत है कि न जाने कब किसका मकान पानी की तेज बहाव की भेंट चढ़ जाए। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत डरा देने वाली है। आप देखेंगे 1 सेकंड से भी कम का समय और पक्का मकान, यानी कि ईंट पत्थरों से बना हुआ ये मकान, 1 सेकंड से भी कम का समय और ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बिखर कर पानी में बहता चला गया। अब आप सोचिए कि अगर इस घर में कोई मौजूद होता, हालांकि आपको ये भी बता दें कि वो ऐसे घर जहाँ पर रिस्क है, पहले ही उन्हें खाली कराया जा रहा है, लेकिन लोगों में इस वक्त डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी समेत कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से बहुत ज्यादा बेहाल है। लोगों के घर बार, दुकान और खेत पानी में समा चुके हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित सिंह ने हालात का जायजा लिया। अब हम इस घर के अंदर दाखिल होंगे और दाखिल होने के बाद बातचीत करेंगे, क्योंकि केवल एक परिवार हमें यहाँ दिख रहा है जो इस घर के अंदर मौजूद है। ये गांव का सबसे ऊंचा स्थान है, तो आप देख सकते हैं कितना पानी है। बाकी जगह पे जहाँ पे सड़क वगैरह है, 10-10 फीट पानी है। अब हम अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। ये घर पूरी तरीके से डूब गया है। सामने छप्पर है और पीछे छत है। अब हम घर के अंदर दाखिल होते हैं। देखिए, पूरी तरीके से ये घर डूबा हुआ है। आप आराम से आइएगा, कैमरा को बचाते हुए आराम आराम से आइए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। इस तरफ से आइए आप, इस तरफ से पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए आराम आराम से आइए। कैसे आप लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं अभी? बाकी लोग परिवार के कहाँ है? यही रह रहे हैं, छत पर हैं। सब छत पे हैं। तो कोई निकालने के लिए नहीं आया आपको, क्योंकि आपके गांव में तो सब लोग निकल गए हैं? नहीं, निकाले को नया हुआ है। जरा आप अंदर आइए, अंदर आइए। खाना वगैरह सब बन रहा है ऊपर छत पे? हाँ, खाना वगैरह सब छत पे। आराम आराम से आइएगा, क्योंकि देखते हुए पानी बहुत ज्यादा है। पानी, हाँ, खाना वगैरह सब आप ऊपर बना रही हैं? हाँ, सब ऊपर खाना बन रहा है। घर का सारा सामान आप निकाल चुके हैं? हाँ, सब निकाल चुके हैं। सब छत पे? छत पे है सब। तो देखिए, छत का घर ये बना हुआ है, छत का। और यहाँ पर देखिए, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, बाढ़ का पानी एंटर कर चुका है। और मैं अब इस एक एक कमरे में एंटर करता हूँ। ये सीढ़ी घर है और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी कि क्या हालात एक घर के यहाँ पर दिखाए जा रहे थे।
लेकिन जगह अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कैसे अलग अलग जिले इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में आ चुके हैं, 11 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। लखनऊ से लेकर हरदोई तक बिल्कुल एक जैसी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, शाहजहांपुर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलिया और हरदोई। और आपको यह भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खुद ऐसे कई इलाके हैं जो ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं, उनका हवाई सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। आप देखेंगे कहीं पर गाड़ियां आपको आधे से ज्यादा टायर पानी में डूबा हुआ दिखाई देगा, कहीं पर कोई जद्दोजहद करते हुए इस सड़क को पार करता हुआ दिखाई देगा। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति है। अब आने वाले समय में भी चूंकि अलर्ट यही है कि बारिश अभी भी होने वाली है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूटकर लोगों को डरा रहे हैं, तो इधर भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के सीतापुर, श्रावस्ती और बलरामपुर समेत कई जिलों में हालात बिगड़ गए। बारिश के बाद राज्य में बहने वाली कई नदियों में उफान आ गया, नदियों का पानी गांवों में घुस गया। हालात ये हो गए कि सैकड़ों गांव टापू की तरह नजर आने लगे। बलरामपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिले में तो लोगों को गांव में बने अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर शरण लेनी पड़ी क्योंकि बाढ़ का पानी गांव के कोने कोने में घुस गया। लखीमपुर खीरी के गांव में तो कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया और नदियों से आए सैलाब की वजह से वहां बने कच्चे और पक्के मकान डूबे दिखाई दिए। जिन लोगों के पक्के मकान थे उन्होंने छतों पर जाकर अपनी जान बचाई, जबकि जिनकी झोपड़ियां थी वो गांव से नाव के सहारे दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। एक ही नाव पर करीब 20 लोगों को बैठाकर ऊंचाई वाली सड़क पर पहुंचाया गया क्योंकि उनके घर पानी में समा गए थे। सबसे ऊंची जगह यही है पूरे गाँव की और यहाँ पर देखिए कमर भर से तक पानी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला पड़ोसी देश नेपाल से सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये जिला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच जिले से घिरा है। नेपाल से छोड़े गए पानी ने पूरे जिले की सूरत बिगाड़ कर रख दी। नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से करीब करीब ऐसे ही हालात है। महाराष्ट्र के 11 विधान परिषद सीटों पर आज चुनाव, 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का है खतरा, पार्टियों ने विधायकों को होटल्स में रखकर की घेरेबंदी। सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर सुनाएगा फैसला, 17 मई को फैसला रखा गया था सुरक्षित, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेशी। विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की बड़ी मुश्किलें, पुणे पुलिस करेगी कार्रवाई, ऑडी कार पर अवैध रूप से बत्ती लगाने के मामले की भी होगी जांच पड़ताल। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध, रिव्यू पिटीशन की पूरी तैयारी। आम बजट से पहले फिर से उठी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, मंत्री श्रवण कुमार ने बताई जनता की डिमांड, तो आरजेडी ने भी किया समर्थन। पूर्व अग्निवीरों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ समेत सभी अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण, फिजिकल टेस्ट में भी छूट।